इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है 8.1 जो इंपॉर्टेंट मार्क करके ऑलरेडी मैंने तुमको मार्किंग दी, उसमें इंपॉर्टेंट मार्क है ना, जिन बच्चों के पास मार्किंग नहीं अभी अवेलेबल है फिजिक्स लैब से ले लेना। तो वो जो मार्किंग्स हैं उसमें लिखा हुआ है टेबल 8.1 इंपॉर्टेंट रीजन, जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को छोड़कर ईएमडब्ल्यू के, वो सारे क्वेश्चन अकेले उस टेबल से सॉल्व हो जाते हैं। तो टेबल इंपॉर्टेंट 8.1। तो ये पूरा सिलेबस हो गया, हम पढ़ना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट से। कौन है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इनको जनक माना जाता है, इन्होंने थियोरिटिकल प्रेडिक्शंस दिए किसके, ईएमडब्ल्यू कि ऐसी कोई वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसने बताया? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ेंगे हम, एडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होती है लिखोगे? मैक्सवेल इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। फर्स्ट ऑफ सब हेडिंग नीड, इसकी जरूरत क्या पड़ी? डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जरूरत को समझो, फिर इसका एक्सप्रेशन डिराइव करें। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या ये कैपेसिटर है? कैसा कैपेसिटर है? स्पेरिकल है या पैरेलल प्लेट है? सही जवाब है पैरेलल प्लेट। दो सर्कुलर प्लेट है, जैसे दो ढक्कन। कैपेसिटर जब पढ़ाया था तुम्हें अगर याद रहा हो तो मैंने तुमको बोला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में इधर से करंट आ रही है आईसी, करंट यहां तक आई है जंक्शन। मान लो मैं इस पर लगाता हूं केसीएल, जंक्शन लॉ, तो आने वाली करंट तो है, यहां से जाने वाली करंट नहीं है, जंक्शन लॉ फेल हो गया फंडामेंटल लॉ। फिर अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूं, एम्पियर्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल लॉ है। एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, तो मैंने इस क्लोज लूप के लिए एम्पियर्स लॉ लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। ये जो है इसमें फॉन्ट की गड़बड़ है कि प्रोजेक्टर सपोर्ट नहीं करता, कंप्यूटर में ये सही दिखता है, इसमें गड़बड़ दिखते हैं। डीएल की जगह डीएस लिया आपको कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन का सिंपल वो गलत था और म्यू जीरो गायब है यहां, इसलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। एम्पियर्स लॉ ये था इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स सिग्मा आई। अब आई की जगह यहां पे हम बात कर रहे हैं आई सी, सी स्टैंड फॉर कंडक्शन, कंडक्शन करंट, ठीक है। तो इस लूप के लिए तो ओके है, पर अगर मैं थोड़ा सा यहां पे चेंज करूं, ऐसी कोई कटोरी जैसी सरफेस लो भी दिखाऊंगा, ऐसी सरफेस तो करंट एंटर तो कर रही है, एग्जिट नहीं कर रही, उसके लिए रिजल्ट अलग आ जाता है। यानी एम्पियर्स लॉ भी यहां पर इनकंसिस्टेंस हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर है यहां भी करंट फ्लो हो रहा है। अब वो करंट किसी कंडक्टिंग पाथ की रिक्वायरमेंट उसको नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की फॉर्म में फ्लो होता है। वो केवल तब तक फ्लो होता है जब तक कि कैपेसिटर की प्लेट चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है। हमें पता है कंडक्शन करंट भी तब तक ही फ्लो होता है, स्टेडी स्टेट में कोई करंट कैपेसिटर में डीसी नहीं होता। तो जब तक कंडक्शन करंट तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उसको करंट क्यों बोला? जब यहां पर हमने देखा जिस दौरान कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड मिला यहां पे दोनों प्लेट्स के बीच में, जैसे यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है वायर के आसपास, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी मिलता है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो वो कहां से आया? तो जवाब है कोई करंट होगी वही पैदा कर रही है। हमने पढ़ा कि कोई करंट होती है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस करंट को मैक्सवेल ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो नीड में तुम लिखोगे, डायग्राम बनाओ, कैपेसिटर बनाओ,
ये लूप बनाओ, करंट दिखाओ आईसी, ये डीएस की जगह तुम चाहो तो डीएल दिखाओ ना, तुम्हारी प्रैक्टिस डीएल की बनी हुई है तो डीएल दिखाना एस की जगह, नहीं तो एस से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, एस से एरिया को भी दिखाते कई बार, यहाँ एरिया को नहीं दिखाया लेंथ को दिखाया, तो यहां पे डायग्राम में डीएल दिखा लिखोगे नीट में, प्रैक्टिस किया करो खाली टाइम में, सर्कल्स खींचने की स्ट्रेट लाइन खींचने की, नाउ अप्लाइंग एम्पीयर्स लॉ टू चार्जिंग कैपेसिटर शोन इन फिगर, अप्लाइंग एम्पीयर्स लॉ लिखा हुआ है, अप्लाइंग एम्पीयर्स लॉ टू चार्जिंग कैपेसिटर शोन इन फिगर, एम्पीयर्स लॉ लगा, वी गेट के बाद डैश, ये इक्वेशन लिख दो, ये इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट टीएल इक्वल टू म्यूजर टाइम्स, तुम डायरेक्टली आईसी लिख सकते हो सिग्मा बिना लिखे, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही करंट है, सिग्मा आईसी इज आईसी, एम्पीयर लॉ लगा दिया हमने मान लो, दो स्टेप में लिखना है तो दो स्टेप नहीं, एक स्टेप में लिख सकते हो डायरेक्टली आईसी। अब यहां एक कंसेप्ट है जो तुम्हें दिमाग में बैठाना है, द शेप ऑफ द सरफेस यूज फॉर एम्पीयर्स लॉ शुडंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता शेप कैसा लिया, कब तक, एज लॉन्ग एज द पाथ इज सेम, सेम पाथ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो सरफेस का शेप कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग क्या है डायग्राम में देखो, हमने अस्यूम किया कटोरे जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, देखोगे पहले बना लो एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर और उसके बाद लिखना है, कंटिन्यू करोगे दोबारा डायग्राम नहीं बनाना है, उसी डायग्राम में ये लैंग्वेज लिखनी, इमेजिन ए सॉफ्ट बाउल सरफेस, नाउ लगा दो वर्ड आगे, नाउ इमेजिन ए सॉफ्ट बाउल सूप बाउल सरफेस विद द पॉजिटिव प्लेन, विद द पॉजिटिव प्लेन resting near the bottom of the bowl, positive plate resting near the bottom of the bowl, applying Ampere's law again we get, applying Ampere's law again we get, अब की बार तुम्हें मिलने वाला integration of v dot dl equal to zero, reason करंट थ्रेडिंग थ्रू नहीं है, करंट आ तो रही है आर पर नहीं जा रही, क्रॉस नहीं कर रही, उसी में रह, द इंटीग्रल इज जीरो बिकॉज नो करंट पासिस, ठीक है, वो तुम्हारे समझने के लिए लिखना नहीं है, यहां तो तुम ये भी सीखते जाओगे क्या समझना है क्या लिखना है। तो हमें दो रिलेशन मिल रहे हैं मोटे मोटे, इसमें सही आ गया क्योंकि ये पेंट ब्रश से बना के डाला मैंने, तो इसमें सही फॉन्ट आ गया। तो अब ये दो रिलेशन मोटे मोटे जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में, सेम क्लोज पाथ के लिए एक बार एम्पीयर लॉ लगा रहे हैं ये मिल रहा है, दूसरी बार लगा रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व किया मैक्सवेल ने, लैंग्वेज में लिखोगे टू सॉल्व दिस इनकंसिस्टेंसी, to solve this inconsistency Maxwell said that, उसने कहा, Maxwell said that there exists a displacement current, there exists a displacement current between the plates of capacitor, between there exists a displacement current, short forms use karo, between the plates of capacitor due to variation in electric field,
due to variation in electric field, comma, whose magnitude can be obtained as, या whose expression लिख सकते हो, whose magnitude लिखो या लिखो whose expression can be obtained as, डैश लगा दो, उसका expression कैसे obtain कर सकते हैं? दो नंबर में derivation आता है, छोटा सा derivation है, simple सा, ये दोनों ही wrong equation जैसा हमने discuss किया, अभी हमको इक्वेशन डिराइव करनी है, तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप हो रहा है, तो तुम लिखोगे वी में राइट क्यू इक्वल टू जो कैपेसिटर पे चार्ज जाएगा वो होगा सी टाइम्स डेल्टा वी, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच का, फिर तुम सी का एक्सप्रेशन जानते हो, कैपेसिटी सी होती है एप्सिलॉन जीरो के ए बाय टी अगर डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और डेल्टा वी ये भी जानते हो तुम, पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, वैल्यू रख दो एप्सिलॉन जीरो के ए बाय टी इनटू ई इनटू टी, डी कट गया, बाकी बचता है एप्सिलॉन जीरो के, कैपिटल के है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ए, हम जानते हैं कि फ्लक्स ई ए के बराबर होता है अगर थीटा कितना हो जाए जीरो, तो ई और ए की डायरेक्शन सेम होने से थीटा जीरो है, ई और ए की जगह मैं लिख सकता हूं फ्लक्स, और ये कौन सा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो एक्सप्रेशन हो गया एप्सिलॉन जीरो के टाइम्स फाइव ई, मुझे तो करंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये चार्ज जब चेंज होगा धीरे धीरे प्लेट चार्ज हो रही है, धीरे धीरे प्लेट चार्ज हो रही है, चार्ज के मैग्नेट्यूड में चेंज आ रहा है, तो जिस रेट पर ये चेंज हो रहा है वही डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंट करेगा, डी क्यू बाई डी टी बिकम्स एप्सिलॉन जीरो के टाइम्स वेरिएबल ए की फ्लक्स डी फाई ई अपॉन डी टी, एक फॉर्मेट तो ये हो गया, एक फॉर्मेट और लिख सकता हूं, दूसरा फॉर्मेट ये लिख सकता हूं कि E और A में E तो वेरिएबल है, A कांस्टेंट है, A को बाहर निकाल सकते हैं एप्सिलॉन जीरो के A टाइम्स dE by dt डिस्प्लेसमेंट करंट को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, दीज आर टू फॉर्मेट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, यहां पर फॉन्ट गड़बड़ है वहां पर ध्यान मत दो, बोर्ड पर देख कर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बॉल सरफेस इज इक्विवेलेंट टू द करंट आईसी थ्रू द फ्लैट सरफेस, स्टार मार्क करके पेज के हेडर पे लिखना है आईसी इक्वल टू आईडी, 2016 में दो सवाल पूछे गए डिस्प्लेसमेंट करंट में अलग अलग पेपर में, एक में पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कहां होती है, तो जवाब है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, बीच में, फिर दूसरा सवाल पूछा तो यहां पर है भूल गया अभी मैं वापस याद करके बता दूं, सवाल है मेरे पास आगे देखा वापस, तो ये टोटल एक्सप्रेशन हो गया 10 मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, नेक्स्ट लिखोगे 10 जहां तक तुमने लिखा है उसके आगे 10, अब जब हमें सही बात पता चल गई कि कंडक्शन करंट के डिस्प्लेसमेंट करंट के, तो एम्पियर्स लॉ को हमने मॉडिफाई कर दिया, हमने मतलब मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया, तो उसको मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ के नाम से जानते हैं, बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। और दूसरा सवाल मुझे याद आ गया जो भूल गया था, तुमसे पूछा कंडक्शन करंट है 0.25 एम्पियर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी 0.25 एम्पियर, एक नंबर देखो 10 मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कैन बी रिटन एज, ये भी पूछा गया एक बार सवाल में एक साथ, 10 मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कैन बी रिटन एज, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के सिंबल में सर्कल लगा देना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल लिखना, डीएस मत लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स
आईसी प्लस आईडी एनक्लोज्ड, सिग्मा की जगह एनक्लोज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और फिर अगले स्टेप में आईडी का एक्सप्रेशन रख देना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने करंट इसलिए बोला क्योंकि ये कंडक्शन करंट की ही तरह क्या प्रोड्यूस कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, कंडक्शन करंट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे इसलिए इसका नाम करंट रखा। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। एनसीईआरटी से तुम्हें कुछ डायग्राम देखने हैं जिससे क्लैरिटी आएगी। ये जनरलाइज लॉ भी बोलते हैं ना, ऑलवेज करंट, एम्पियर लॉ। वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नाम क्यों पड़ा, इफ यू पुट एन इंसुलेटर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द एटम्स ऑफ द इंसुलेटर आर स्ट्रेच्ड, खींचेंगे, पोलराइजेशन होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स द प्रोटॉन्स वांट टू गो वन वे एंड इलेक्ट्रॉन्स द अदर वे। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेचिंग द एटम इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज एंड देयर फोर ए करंट, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। होमवर्क एंड रीड फ्रॉम एनसीईआरटी अबाउट दीज टू डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए। ये कैपेसिटर है, बीच में डॉटेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम की डिटेल तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़नी है, फिगर 8.2 ए एंड बी, ऑलरेडी मेंशन इन एनसीईआरटी मार्किंग। अगर मैं मॉडिफिकेशन लगाना चाहूं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी में पता कर सकता हूं, जैसे करंट डेंसिटी होती थी आई अपॉन ए, वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आई डी अपॉन ए इज द एरिया। मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समराइज किया चार इक्वेशन में, हेडिंग